क्या दिया हुआ है क्वेश्चन फिफ्थ में, एंगल सी जो है वो थ्री एंगल बी के इक्वल है और वो फर्दर किसके इक्वल दिया है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के। क्लियर। अब आपको यहां पे तीनों एंगल सी फाइंड करने हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो यहां पर हम लेट किसको करें, देखो दो वेरिएबल्स में हमें इक्वेशन बनानी है तो हम दो चीजों को लेट कर सकते हैं। तो यहां पे हम एंगल बी और एंगल ए को लेट कर रहे हैं। सपोज एंगल ए को लेट कर लिया हमने एक्स एंड एंगल बी को लेट कर लिया वाई, ठीक है। अब एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी अगर हम यहां से देखें तो क्या दिया हुआ है, थ्री एंगल बी, यानी आपका एंगल सी थ्री एक्स थ्री वाई हो जाएगा आपका, ठीक है। बी की वैल्यू वाई तो एंगल सी आपका थ्री वाई हो जाएगा। अब इक्वेशन हमें दो चाहिए तो पहली इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, ठीक है। सो एक्स प्लस वाई प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो क्या बन जाएगी फाइनली इक्वेशन आपकी, x प्लस फोर वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, अगर हम यहां पर देखें बेटा, ये हमें दिया हुआ था थ्री एंगल b, देखो यहां पे तीनों ही इक्वल हैं, क्लियर। तो हमने एक बार ये यूज कर लिया एंगल c इक्वल्स टू थ्री एंगल b बनाने के लिए, और अब ये भी यूज कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए कि थ्री एंगल बी, एंगल बी मतलब वाई, यानी थ्री वाई इज इक्वल टू टू ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। इससे हम अपनी इक्वेशन एक बना सकते हैं। सो क्या बनेगी, थ्री वाई इक्वल टू टू एक्स प्लस टू वाई हो गया। अब टू वाई हमने इधर शिफ्ट कर दिया तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई इक्वल टू टू एक्स, सो वाई इक्वल टू टू एक्स। यहां तक समझ आया बेटा, तो यहां पर डायरेक्ट आपकी इवन वाई की वैल्यू आ गई एक्स के टर्म में। अब इसको हम सीधा पुट कर सकते हैं किसमें, पहली इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन फर्स्ट इक्वेशन। सो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, टू एक्स, सो फोर इंटू टू एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एक्स प्लस एट एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, फोर इंटू टू एट एक्स, ठीक है। सो नाइन एक्स इक्वल्स टू 180, सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 9 यानी 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई और y की कैसे आ जाएगी, y इक्वल्स टू 2x था आपका, सो 2 इंटू 20 यानी 40 डिग्री। अब x क्या था आपका, एंगल a, तो एंगल a तो आपके पास डायरेक्ट आ गया 20 डिग्री। एंगल b क्या था, y, तो वो आ गया 40 डिग्री। एंगल c क्या था आपका, 3y, सो 3 इंटू 40 डिग्री यानी कि 120 डिग्री। क्लियर। तो तीनों एंगल्स आपके पास आ गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। क्लियर। और यही हमें क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द थ्री एंगल्स।